बिहार का सबसे गंदा सरकारी स्कूल, और इस गांव के मुखिया है विपिन सर। मुझे शर्म आ रही है इस स्कूल के बारे में बताने में, मुझे सबसे ज्यादा शर्म घिन आ रही है उस विपिन सर का नाम लेने में, क्योंकि जिस जो विपिन सर को लोगों ने जिताया, मुखिया बनाया, और उस गांव के स्कूल का ये हाल है। आई बबली जी और दिखाने आई हमारे गांव के स्कूल। सच में दोस्तों, ये स्कूल मेरे गांव का ही है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिर आ गई उसी नशेरी के साथ जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाया था। ये बेचारा वीडियो बनाते बनाते रिपोर्टिंग करते थक गया, कोई प्रभाव ना पड़ा। अब आ गई इसको लेके मोहतरमा को, मोहतरमा पाउडर तो लगा ली, बाल तो स्ट्रेट करवा ली, लेकिन समस्या कहां रह गया ये देखिए। स्कूल की स्थिति सच में इतनी खराब है कि अगर आप कहेंगे कि बिहार के सबसे गंदा स्कूल है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्कूल मेरे पंचायत का ही है। मोहतरमा यहां बाथरूम के पास खड़ी है, बाथरूम में इतने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहां पर बाथरूम की स्थिति देखिए। ये मेरे पंचायत में ही है, मैं मुखिया हूं यहां का, मुझे शर्म आ रही है। मोहतरमा आई सीधे माइक लेके, पकड़ी दरवाजा, कही कि देखिए दरवाजा कैसा दरवाजा है, कुंडी न खनकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। इस दरवाजे से घुस गई बेचारी, और यहां पर इन्होंने दिखाना शुरू किया शौचालय की स्थिति। स्थिति यही है। अब जरा मैं बात करूंगा कि स्थिति जो इस शौचालय का है, आपको देखने से पता चल जाएगा। मैं मुखिया बना हूं अभी, आपको पता होगा इस बार चुनाव हुआ उसमें मैं मुखिया बना। यह स्थिति शौचालय का कितने दिनों में हुआ होगा? क्या यह स्कूल मेरा बनवाया हुआ है? क्या यह शौचालय मेरा बनवाया हुआ होगा? इसकी स्थिति देखकर आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं, नहीं भी पता है तो, इसकी स्थिति 5 साल से यही है। अब आपका सवाल होगा तो आप क्या कर रहे हैं? अब तो आप मुखिया बन गए हैं तो आप क्या कर रहे हैं? यह मोहतरमा का सवाल होगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? आप तो मुखिया बन गए लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तो मोहतरमा जी, आपको पहले ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी चीजें जो होती है, सबसे पहले बिहार सरकार जो है पैसा जिला को भेजती है। अगर कोई भी फंड रिलीज होता है फिर ब्लॉक में आता है, ब्लॉक से पंचायत में आता है। अगर आपको मेरे बारे में पता ही करना था कि मैंने क्या घोटाला किया होगा, तो सबसे पहले आपको चले जाना चाहिए था ब्लॉक में, और ब्लॉक में पता कर लेते कि सलाह पंचायत में कितने पैसा आवंटित राशि हुआ है और किस काम के लिए हुआ है। एक बार वहां से डाटा लेके आप पहुंच जाते पंचायत में, मजा आ जाता, और काम खोज खोज के आप रिपोर्टिंग कर लेते। अगर इतना भी नहीं जानकारी है तो मैं आपको आज जानकारी दूंगा कि अगर किसी भी पंचायत के बारे में जानकारी आपको चाहिए कि कितनी राशि आवंटित हुई है, कौन कौन सा कार्य किस किस वार्ड में चल रहा है, तो भी जानकारी आपको एक अपने फोन में पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले जब मैं मुखिया नहीं था उस टाइम भी एक वीडियो बना के बताया था लोगों को कि अगर अपने पंचायत की जानकारी चाहते हैं तो कैसे मिलेगा, तो वो वीडियो आपने शायद नहीं देखा क्योंकि आप पढ़ी नहीं। हमको हल्के में ले लेती है, उतने हल्के हम है नहीं, लोग हमसे मिलने के लिए मरते रहते हैं। आप सीधा आते तो एक हमारे साथ कोई वीडियो फोटो खींच लेती तो 10-50 सब्सक्राइबर बढ़ जाते, ऐसे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको बताते हैं कि अगर आपको यह जानकारी ही चाहिए था कि सलाह पंचायत के अंदर क्या है, क्या राशि आवंटित हुई है, और बोल रही थी मोहतरमा क्यों मुखिया बने हो यही घोटाला करने के लिए, घोटाला करने के लिए। रे पगली बबली, तू एक तो संडे को आ गई स्कूल में, अगर किसी और दिन आती तो सबसे पहले तुम टीचरों से सवाल पूछ लेती, बेचारा टीचर भी 2-4 सवाल तुमसे पूछ लेता कि तुम रिपोर्टर बनी कैसे, कहीं ये केवल बाल स्ट्रेट कराकर और मेकअप लगा लेने से रिपोर्टर तो नहीं बन गई तू। सबसे पहले तुम क्या करना चाहिए, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बबली, ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन का नाम है, भारत सरकार का एप्लीकेशन है, ये देख लो, अपने फोन में इंस्टॉल कर सकती हो। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके बाद स्थानीय निकाय चयन पृष्ठ, तुमको जिस पंचायत में जाना है, जिस जिला में जाना है, जिस राज्य में जाना है, ये पूरे भारत में ये एप्लीकेशन काम करता है। यहां पर सारा डाटा तुमको मिल जाएगा कि कौन काम चल रहा है, कितनी आवंटित राशि है, कितने खर्च हो गए हैं, कितने बचे हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा बिहार राज्य चयन करती, मैं बिहार से हूं, जिला परिषद वैशाली लिख लेती, पंचायत समिति सहदेव बुजुर्ग लिख लेती, ग्राम पंचायत सलाह लिख लेती, और जमा करती, हिंदी में कर दिए हैं, कहीं इंग्लिश नहीं आता हो मेरी तरह। उसके बाद ये पंचायती राज, क्योंकि एनआईसी सर्टिफाइड ये एप्लीकेशन है, भारत सरकार का एप्लीकेशन है। अब देखो, आपको जब ये जमा करती ना ये, तो आपको ऐसा कुछ खुलता, ऐसा खुलता तो यहां निर्वाचित प्रतिनिधि का विवरण कि कौन कौन जीत के आया है प्रतिनिधि उसका है, ये स्वीकृत गतिविधियां और ये वित्तीय प्रगति। तो आपको आना चाहिए
स्वीकृत गतिविधियां पर, क्योंकि मैं अभी नया मुखिया बना हूं तो मेरे लिए राशि कितनी स्वीकृत की गई है, यहां पर क्लिक करते ये एक साल का वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 का मिलता। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते तो आपको ये पेज खुल के आएगा, और ये पेज खुल के आएगा बिहार वैशाली सहदेई बुजुर्ग सलाह मेरा पंचायत। अब यहां पर क्या है सुन लो, मैंने और जब सरकार ने हमसे पूछा कि भाई आपको पंचायत में कितने काम है, अभी इस साल कितने इंपॉर्टेंट काम है ये बताइए, जो एकदम महत्वपूर्ण काम है उसके बारे में ब्यौरा दीजिए, मैंने कुल कार्य की संख्या 25 का ब्यौरा दिया। अब 25 को संख्या का ब्यौरा दे दिया, उसने राशि तय किया कि इस 25 काम में 70,25,368 रुपया, इसमें रोड भी बनवाने होंगे, छठ घाट बनवाने होंगे, बहुत सारी बातें हैं जो जो होती है योजनाएं, जब इस विवरण पर क्लिक करोगी तो आपको पता चल जाएगा। आइए अब हम बताते हैं ये राशि 70,27,368 रुपया इस 25 काम के लिए मिलना चाहिए था हमें, जो ग्राम पंचायत के लिए आवंटित धनराशि मात्र 56,81,140 रुपया हुआ। अब सोचेगी कि इसमें खर्चा कितना कर दिए, तो इस विवरण पर क्लिक करोगी तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना कहां कौन कौन काम हुआ। उसके नीचे जस्ट तुम्हें दिखेगा चल रहे कार्य, तो यहां पर चल रहे कार्य जीरो है और राशि की संख्या भी जीरो है। यह राशि की संख्या जीरो क्यों है, क्योंकि कोई भी राशि खर्च अभी नहीं हुआ है, और यह कार्य की संख्या भी जीरो है क्योंकि कोई कार्य अपलोड नहीं हुआ। क्यों अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि इसका डोंगल एक्टिवेट नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष जो ये 15वीं चल रही है तो ये 15वीं का भी एक भी पैसा सरकार ने ना प्रखंड को भेजा है और ना ही पैसा पंचायत को आया है, केवल ये राशि अभी ऑनलाइन दिखा रहा है, ये पैसा केवल देखने के लिए है, ना तो इस पैसे से कोई काम हुआ है ना खर्च हुआ है। तो अब समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा बात, हमारे कुछ दर्शक कहेंगे सर तो पिछला काम कैसे हुआ है, कुछ काम जो आपने दिखाया है, एक तो मनरेगा से काम हुआ, जो लेबर का पेमेंट अभी तक नहीं मिला वो पैसा अपना जेब से भरे हैं, बांध बनवा दिए हैं। दूसरा चीज सुनो, उसके पैसे मिलेंगे। तीसरा सुनो, जो कस्टम से जो पहले होता था चेक से पैसा आता था, तो कुछ राशि बचे हुए थे जो पहले वाले मुखिया जी खर्च नहीं कर सके, उस बची राशि से हमने पहले काम किए जो काम अभी तक हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकाल में अभी आवंटित धनराशि एक भी पैसा नहीं आया है। यहां पर देख सकते हैं, खुद एप्लीकेशन खोलो ना, तुम्हारे फोन में होगा, डाउनलोड करके देख लो, और उसके बाद आपको सही सही जानकारी मिलती। अब रही बात कि किसी भी स्कूल का अपना एक अकाउंट होता है, सबसे पहले तुम मंडे को आती, ट्यूसडे वेडनेसडे को आती और टीचर को कहती कि सर अपना बही दीजिए तो खाता का अपटूडेट करवाए हैं कि नहीं, अपटूडेट करवा लिए हैं तो तनी दिखाइए तो कितना पैसा आया है, वो मास्टर साहब आपको दिखा पाते अगर आप में फर्जी पत्रकार नहीं होते तो वो दिखाते, और दिखाने से ये पता चलता कि स्कूल के मरम्मत के लिए कितने पैसे आए थे। तो अब ये भी जानकारी ले लो, जब से कोरोना बिहार में आया अभी तक किसी भी सरकारी स्कूल को कोई भी राशि आवंटित नहीं हुआ उसकी मरम्मती के लिए, कोरोना के बाद से एक भी पैसे नहीं मिले। इसीलिए पूरे बिहार में सरकारी स्कूल का न तो रंग हो रहा है न पेंट हो रहा है, और कहीं भी अगर किसी टीचर ने करवाया होगा या पैसा उनके पास रहा होगा तो कुछ जगह कहीं हो गया होगा, बाकी स्कूल की स्थिति इसी वजह से खराब है। दूसरा, और मुखिया के अंदर सिर्फ प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार करवाने की क्षमता है, हालांकि उसकी कुछ मरम्मती के लिए पैसे, उनके रंग पेंट के लिए पैसे स्कूल के खाते में ही आएंगे, लेकिन जीर्णोद्धार करवाने, वो भी प्राथमिक विद्यालय, दूसरे कोई भी विद्यालय के मुखिया का पावर नहीं है, लेकिन जो स्कूल में आप गई बबली वो प्राथमिक विद्यालय ही था, उसके लिए आवंटित भी धनराशि हुई है, वो राशि है ये पचमा काम में। जब हमारे काम का विवरण ऊपर क्लिक करोगी तो पचमा काम में मैंने उसको दे दिया है। मुखिया हम ऐसे थोड़े बने हैं, ये काले करेले बने हैं पगली, ये जो बने तो देखो लिखा हुआ है कार्यकलाप, तुम गई थी वो है कहां, दुबहा विद्यालय, सलाह पंचायत हुआ, तू सलाहा गांव बोल रही थी, ठीक से तुमको नसेरी बताया भी नहीं था कि किस गांव में हो, पंचायत के नाम सलाहा है रे पगली। वार्ड नंबर 3 में प्राथमिक विद्यालय दुबहा में विद्यालय का जीर्णोद्धार एवं 4 दीमारी निर्माण कार्य, बुझा रहा है, ये सब लिखवा दिए, ई काम होगा इसके लिए 1,27,368 रुपया कुल लागत उसमें बनाया गया है, ये पैसा जैसे ही आएगा ये काम होगा, अभी जो है काम कोई चालू नहीं हुआ है, चल रहे कार्य अभी जीरो है, समझ रही हो। तो सरकार पैसा भेजबे नहीं किया है तो मुखिया अपना बाप वाला जमीन बेचकर काम करवाएगा, कहां से काम करवाएगा बताओ जरा, अगर तुमको इतना बुद्धि होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं होता, ऐसे मीडिया थोड़े हो जाता है, ऐसे मीडिया का मैं आप सबको कहता हूं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ऐसे ऐसे मीडिया का बहिष्कार कीजिए,
जो आपको अनाप शनाप चीजें दिखाते हैं, गलत चीजें दिखाते हैं, कोई भी चीजें पुख्ता सबूत के साथ होनी चाहिए। और सुन लो, अब आपके ऊपर क्या होगा, अब लीगल हम नोटिस भेजेंगे। लीगल नोटिस क्या भेजने वाले हैं सुन लो। अभी नियम है बाबू, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल कहता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल कहता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, चूंकि मैं एक समाज सेवक हूं, मैं एक प्रतिनिधि हूं, जब आप हमारे काम के बारे में कोई भी, अगर आपको मान लो कि मेरे बारे में चोर कह दिया, तो सीधे जाके न्यूज बना के चोर नहीं बोल देना है, आपको हमसे पूछना पड़ेगा कि हम चोर हैं कि नहीं, और दोनों बात आपको, दोनों की बात रखना पड़ेगा। अगर कहीं कोई स्कूल खराब है तो वहां के जनता की बात और फिर हमारी बात कि किस वजह से खराब है, ये चीज होती है, न्यूज में चलानी होती है, न्यूज ऐसे थोड़े बनता है। तो हम आपको अब भेजेंगे नोटिस, जितने भी चैनल वाले हैं जो बेवजह के वीडियो बनाते हैं और पत्रकारिता करते हैं, जो फर्जी पत्रकार हैं, सबको जाएगा नोटिस, और नोटिस जाने के बाद आप पर होगी लीगल कार्रवाई। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे और घबराने की जरूरत नहीं है, बस बहुत जल्दी आपके पास लीगल नोटिस चला जाएगा, क्योंकि हम काम तरीके से करते हैं। हाँ दोस्तों, और आप लोगों के हाथ में क्या है, अगर कहीं भी लगता है, देखिए कोई एक पक्ष के बात रख देने से किसी को बुरा नहीं कह सकते, आप सामने वाला का भी सुनना पड़ेगा। अगर मेरी बातों से आपको सेटिस्फेक्शन मिला हो अच्छी बात है, नहीं मिला हो खुद एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सबके पंचायत की जानकारी अब ऑनलाइन मिलती है, कहां घूम रहे हो, किसी मुखिया को कुछ पचाने की अब ताकत नहीं, हाँ ज्यादा से ज्यादा अगर घटिया काम करेगा तो उसमें कुछ पैसा कमा लेगा, इतने कर सकता है। और सुन लो, हम मुखिया पैसा कमाए ले नहीं बने हैं, आप लोगों के दुआ से ना, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत ऐश्वर्याम की जिंदगी जीता हूं और लोगों की सेवा करता हूं, खुशी है इसी में, जितना हो सकता है उतना ही करूंगा। एक बात पक्का है, समाज के लिए कभी बुरा ना करूंगा, जितना ही हमसे होगा उतना अच्छा ही करूंगा। मैं एक इंसान हूं, कोई भगवान नहीं, और मेरे पास कोई मंत्र नहीं है कि ऐसे मार दिया पंचायत एकदम चकाचक हो गया, पिंक सिटी बन गया, ऐसे थोड़े होता है। ये सारी योजनाएं हैं, योजना के तहत काम होगी, सरकार के पैसे आएंगे, पैसे से काम होती है, ऐसे होगा, कोई खेत बेच के अपना थोड़े ना कर देगा, स्कूल बनवा दे कैसे कर देगा। अरे पगली, तुमको इनसेरी तुमको ले जाता 14 नंबर वार्ड में, स्कूल में, मिडिल स्कूल में, 50,000 का मैंने एलईडी टीवी बड़ा सा लगा दिया है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल मेरे पागल, बाल स्ट्रेट करा के चल देती है रिपोर्टिंग करने, हैं? सबसे पहले सब लोग इसको क्या करिए, रिपोर्ट करिए इसके चैनल पर, अगर नहीं रिपोर्ट करिएगा तो ये हमेशा झूठा खबर आपको देगी। और अगर जिस दिन झूठा खबर आपको दिया गया और आपके दिमाग में बसने लगा, चाहे वो किसी के प्रति हो, मेरे प्रति घंटा फर्क पड़ने वाला है, हमको तो सब पता है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई गलत काम करता ही नहीं, मुझे कोई लालच ही नहीं है, क्योंकि मुखिया बनने में ना तो हमारा एक पैसा खर्चा हुआ है, कोई खर्चा नहीं। हाँ, आदमी गया हमारा साथ या खा पी के आया, पी के मतलब पानी है, दारू ना, जौड़े गया तो लिट्टी समोसा ना खाएगा, बेचारा भर पेट खाना नहीं खाएगा जो हमारे साथ, बस तो कोनो खर्चा नहीं, हम कोनो पैसा नहीं बांटे, हम कोनो दारू नहीं बांटे, कोई पैसा से वोट नहीं खरीदे, तो हमारा कोनो फर्क नहीं पड़ता है, हमको ये थोड़े ना लगल है कि इतना पैसा लुटाए हैं, करोड़ एक करोड़ वसूल लेंगे, रे ना रे, ये सब करे वाला हम आदमी नहीं है। सब लोग इसके चैनल को रिपोर्ट करिए, और रिपोर्ट करिएगा तो इससे क्या होगा कि यूट्यूब ऐसे अनलीगल वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई करेगी, आप तक सही समाचार पहुंचेगा, सही न्यूज पहुंचेगा। जो मीडिया सही न्यूज दिखाते हैं उनका सपोर्ट करिए, जो गलत न्यूज दिखाए उसका एकदम विरोध करिए। और बबली, अगली बार कहीं भी जाना तो जो तुमको बता दिए हैं, ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, सारे ब्यौरा तुमको वहां मिल जाएंगे, और जाकर काम भी देखना कि कहां काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, मीडिया को, लोगों को दिखाना, और जिस पर इल्जाम लगा रही उससे भी पूछ लेना, तब होती है न्यूज कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।